एवरीवन, वेलकम टू टीवी का पटाखा। तनीषा की मां ने आज तक चैनल के द्वारा शिजैन के परिवार वालों पर 3 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने बड़ा खुलासा किया और ये कहा, मेरी बेटी ने मुझसे 3 महीने के अंदर 3 लाख रुपए लिए और जब से शिजैन से मिली है सारे पैसे उसी पर उड़ाए हैं। मेरी बेटी क्या कर रही है, कहाँ खर्च किए, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, तनीषा की मां की स्टेटमेंट ने इस वक्त तनीषा शर्मा के केस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें, तनीषा शर्मा केस हर दिन ही कोई ना कोई बड़ा मोड़ ले ही लेता है। हर दिन कोई ना कोई अपडेट निकल कर सामने आती है। तनीषा की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस को और भी ज़्यादा हवा दी थी। काफ़ी बड़े बड़े खुलासे किए थे, जिसके बाद शिजैन के घर वाले भी आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के आगे आए और उन्होंने तनीषा की मां पर बड़े बड़े आरोप लगाकर ये कहा कि उनके लगाए हुए सारे इल्ज़ाम झूठ हैं। लेकिन हाल ही में तनीषा की मां आज तक चैनल पर आई और उन्होंने चैनल पर आकर ये बताया कि मैंने अपनी बेटी को 3 महीने के अंदर 3 लाख रुपए दिए थे, उसने कहां खर्च किए मेरे समझ नहीं आ रहा। वो जब से लद्दाख की ट्रिप से आई है और मुझे शिजैन के बारे में बताया है, तब से ही मेरी बेटी बदल गई है। वो शिजैन को नशे के लिए पैसे देती थी, अपने दोस्तों से भी शिजैन के लिए पैसे उधार मांगने लगी थी। मेरी बेटी पूरे तरीके से बदल गई थी। दोस्तों, तनीषा की मां ने पैसों को लेकर जो बड़े बड़े संगीन आरोप लगाए हैं, इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ये सच है या झूठ, ये तो अब कोर्ट ही तय करेगा। आप क्या कहेंगे, हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।